तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दो गज दूरी मास्क है जरूरी, सुन सुन के कान तो पक ही गए होंगे, लेकिन क्या हम इसे फॉलो कर रहे हैं? क्या हम मास्क लगाते हैं? क्या हम दो गज दूरी के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं? क्या हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि फिर आ गया बकवास करने के लिए, इस आदमी की हिम्मत तो है नहीं कि पीएम की जनसभा में किसी ने मास्क नहीं लगाया सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही हैं वहां पर सवाल करें। इस आदमी की हिम्मत तो है नहीं कि मधुपुर में मुख्यमंत्री सभा करते हैं वहां पर जाकर के सवाल करें और यह हमें ज्ञान देने के लिए आ जाता है। आपके मन में यही तो चल रहा होगा, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुएं में जाकर के कूद जाए, अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुएं में जाकर के कूद जाए, तो कोई जरूरी है क्या कि हम भी कूद जाए? कोरोना से डरिए हुजूर, कोरोना से डरना बहुत जरूरी है, आपका डरना बेहद जरूरी है। आप कोरोना से डरेंगे तो ही एहतियात बरतेंगे और तभी कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। कोरोना के जितने संक्रमित तो रोज निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर हम नहीं माने तो सरकार कड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन अब यहां बैठ करके और बोल देना कि लॉकडाउन लगा दीजिए तो कितना आसान है, लेकिन लॉकडाउन अगर लग गया तो कितने जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएंगे, कितने लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। तो उससे अच्छा है ना कि हम लोग घर में ही रहें, उससे अच्छा है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जेद पर ना अड़े। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात होगी। डरा रहा कोरोना, लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, रोज बढ़ रहा आंकड़ा, क्या फिर लॉकडाउन? झारखंड में कोरोना संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। सिर्फ रांची में एक दिन में 262 मरीज मिले, जिसके बाद रांची के डीसी छवि रंजन लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। हमारे जिले में अभी भी पर्याप्त मात्रा में दल तैयार है हमारे, परंतु रांचीवासी जो हैं उनके मन में कहीं ना कहीं जो है वो टेस्ट नहीं करा रहे। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि हमारे जितने भी निकटतम बूथ्स हैं वहाँ पर जाकर अपना टेस्ट अवश्य कराएं। ये आप अस्वस्थ नहीं रहें कि टेस्ट नहीं कराएंगे हमें कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं सभी लोगों से, सभी कॉलोनी में जितने भी लोग रह रहे हैं रांची वासियों में, खासकर शहरी एरिया में, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने निकटतम स्टैटिक बूथ पर जाकर जरूर से जरूर टेस्ट। इतना ही नहीं, धनबाद में भी प्रशासन रेस है। उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने SNMMCH में तैयारियों का जायजा लिया और जहां कमियां नजर आई वहां अस्पताल प्रशासन को फटकार भी लगाई। महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आने वाले ट्रेनों के 70% यात्रियों की जांच शुरू की। उसी प्रकार से हमारे PMCH में जो OPD पेशेंट हैं, IPD पेशेंट हैं, उनके लिए भी कोरोना जांच अनिवार्य कर दिया गया। अभी हम लोग PMCH में आए थे, थोड़ी व्यवस्थाओं में कमी दिखी है, तो यहाँ के जो भी प्रबंधक हैं उनको निर्देश दिया गया है कि इसको ठीक किया जाए ताकि 100% OPD पेशेंट्स का हम लोग कोरोना जांच करवा सकें। इसके साथ साथ सभी हमारे CHC में और सदर हॉस्पिटल में भी कोरोना जांच हो रही है। उद्देश्य ये है कि जो हमारे वल्नरेबल पॉपुलेशन हैं उनकी कोरोना जांच की जाए, क्योंकि जब तक हम जांच करके उनको आइसोलेट नहीं करेंगे, उनको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तब तक इस कोरोना रफ्तार की लगाम पे नकेल कसना मुश्किल हो जाएगा। इस कड़ी में रांची स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी हुई, जिसमें स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में कोरोना की तैयारियों पर मंथन हुआ। तो वहीं स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। इन सब के बीच आपका सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कोरोना को हमें हराना है और कोरोना जागरूकता से ही हारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। जरूरी है मास्क पहनना और जरूरी है सैनिटाइजर का उपयोग करना और जरूरी है सामाजिक दूरी का पालन करना। कोरोना के काल में दिलों में दूरियां नहीं होनी चाहिए, कोरोना के किसी भी काल में दिलों में दूरियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है। हाँ, ये सच है, ये सच है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भाई पूरे देश में एक साथ चुनाव करवा दीजिए, कोरोना भाग जाएगा। लेकिन चाहे जो भी बात हो, चाहे सारी चीजें एक तरफ रख दी जाए, हम मान लेते हैं कि ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मरने वाले तो हम और आप जैसे लोग होते हैं, तो भाई एहतियात तो हमें और आपको बरतनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। तो एहतियात बरतिए जनाब। आपने सुना,
आपने सुना रांची के डीसी क्या कह रहे हैं, आपने सुना धनबाद के डीसी क्या कह रहे हैं, और ऐसे भी आईएएस ऑफिसर्स तो द ग्रेटेस्ट ब्रेन्स इन इंडिया कहे जाते हैं, तो फिर आपको समझ पे आना चाहिए कि ये लोग ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। ठीक है, सब लोग थोड़े थोड़े मजबूर होते हैं, लेकिन हम और आप जो कर सकते हैं वो तो करें, ये बहुत जरूरी है। इन सब का फॉलो करना बहुत जरूरी है। हम और आप ही ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना में फंसते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करना ही पड़ेगा। हम और आप मिलके ही कोरोना को हराएंगे, और कोरोना को हराना है तो आपका साथ बेहद जरूरी है। जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक कोरोना को कैसे हरा सकेंगे, कोरोना को हराना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपको और हमें कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कीजिए, यही दो फॉर्मूला है जिससे हम कोरोना को हराएंगे, और कोई तीसरा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। तो इसलिए कोरोना को हराने के लिए हमें ये करना बहुत बेहद जरूरी है। हाँ, बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमारे पास भी नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि हमारे हाथ में क्या है, हम कैसे मदद कर सकते हैं सरकार की, प्रशासन की। हम अपनी भूमिका तो निभाएं, अगर सरकार घोटाले करती है तो हम भी तो घोटाले नहीं करने लगते। तो अगर सरकार कोरोना गाइडलाइंस की खुद धज्जियां उड़ा रही हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो अपने अपनों की सुरक्षा के लिए कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए जनाब, अपने लिए नहीं तो अपने परिवार वालों के लिए, बेहद जरूरी है ये। तो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए कोरोना में आपकी सतर्कता बेहद जरूरी है। और हम आपको डॉक्टर्स से अभी सुनाएंगे कि आखिर कोरोना के काल में आपको क्या करना है। और डॉक्टर संजय गिरी जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर, और झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आपको देख सुन रही है। देशवासियों को, झारखंड वासियों का नमस्कार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे न्यूज 11 में बुलाने के लिए। जी जी, तो डॉक्टर साहब ये सवाल, चूंकि एक डॉक्टर ही इसका उपाय बता सकता है, एक सॉल्यूशन बता सकता है, मैं अक्सर देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज शेयर हो रहे हैं कि भाई पूरे देश में चुनाव करवा दीजिए, कोरोना भाग जाएगा, कोरोना नाम की कुछ नहीं है, बस सरकार की तरफ से बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोरोना है तो बंगाल में कोरोना क्यों नहीं है और झारखंड में कोरोना क्यों है। तो इस तरीके के जब सवाल सामने आने लगते हैं तो आखिर ऐसे सवाल को कैसे टैकल किया जाए। अभी हम यहां पर लाइव बैठे हुए हैं और मैं आपको यकीनन बता रहा हूं, बाकायदा शर्तिया बता रहा हूं कि हमारे सोशल मीडिया पेज पे पूरे देश के लोग अभी हमें गाली दे रहे होंगे कि भाई आप एजेंडा चलाते हैं, आप ऐसी खबरें दिखा करके लोगों में खौफ फैला रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको कोरोना से डरना बेहद जरूरी है, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने परिजनों के लिए कोरोना से डरिए, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए। क्या मैं गलत हूं सर, डॉक्टर संजय? बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, कोरोना नोवल कोरोना से हमें बचना है तो सबसे पहले तो हमें सोशल डिस्टेंस का पालन 100% करना पड़ेगा। और जैसा कि हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, फिर सैनिटाइजर यूज करें, फिर मास्क पहने और भीड़ भाड़ का में बिल्कुल ना जाए। पर्व त्यौहार को भी कुछ समय तक के लिए, हद के लिए घर का परिवार के साथ ही मनाया जाए।
और कोविड अभी इस थर्ड फेज में आ चुका है कोरोना वायरस का, जो ये म्यूटेंट हो रहा है, म्यूटेंट होके चेंजेस आ रहा है। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि ये सिर्फ राजनीति करने से नहीं चलेगा। सरकार बहुत ही मदद किए है, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं किए है, मगर हमें इसे कंटिन्यूसली बढ़ाना पड़ेगा और अवेयरनेस करना पड़ेगा कि नहीं, कोरोना अभी भी है और ये बढ़ सकता है, और खतरा आपका परिवार को, आपको, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके पूरा परिवार का है, मोहल्ला का है, समाज का है, पूरा देश के लिए खतरा बन चुका है। तो इसमें हमें पालन करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा सर, जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा का मतलब समझ में आता है, जैसे मैं अगर पर्टिकुलरली मेरी बात करूं, मैं डायबिटिक हूं, अब मेरे लिए ऑफिस आना बेहद जरूरी, क्योंकि अगर हम ऑफिस नहीं आएंगे तो लोगों तक खबरें कौन पहुंचाएगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कौन से सावधानियां हैं, ऐसे कौन से परहेज हैं जो हमें बरतने चाहिए ताकि इस नोबल कोरोना वायरस से हम अपने आप को बचा सके, क्योंकि अब रोज ऑफिस तो आना ही है, ऑफिस से घर भी जाना है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ऐसी क्या सावधानियां हैं? आपके लिए, हमारे लिए, हम लोग भी हॉस्पिटल डेली जा रहे हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं, मगर हम लोग को प्रिकॉशन, सबसे पहले तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि हमें समझना पड़ेगा कि अभी भी कोरोना अभी गया नहीं है, ये म्यूटेंट होके थर्ड फेज में आ रहा है, तो हमें ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। थोड़ा सा समय लगेगा कि आपको दूरी बनाए रखे, कोई इसमें फेस टू फेस या क्लोज हैंडशेक मत कीजिए, हाथ मत मिल लीजिए, आप मास्क पहने रहिए, फिर सैनिटाइज का बार बार उपयोग कीजिए, फिर उसके बाद में आप खान पान में बहुत जरूरी है कि खान पान अच्छा सा कीजिए, बाहर का भी बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि क्या हाथ से बना है, कैसा बना है, घर में ही साफ सुथरा हाइजीनिक आपको खाना पीना बहुत जरूरी है। और आप सोशल डिस्टेंस का पालन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है, तभी चेन जो है टूटेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है। सर एक सवाल मेरा ये भी है कि भाई हमें कहा गया कि काढ़ा पियो, इम्यूनिटी बूस्ट करो, मार्केट में आप जाइए तो चाय से लेकर के चीनी तक सब इम्यूनिटी बूस्टर वाले ही आजकल मिल रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ तक कि कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट भी इम्यूनिटी बूस्टर है, और जो पहनते हैं कपड़ा वो भी इम्यूनिटी बूस्टर है, सब में लिखा हुआ है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आखिर हम ऐसा क्या करें, क्योंकि कई ऐसे लोगों को मैंने देखा जिन्होंने इतना काढ़ा पी लिया कि भाई कोरोना तो चलिए बाद में होगा, पहले उन लोगों को बवासीर पकड़ गया। तो ऐसी स्थिति में आखिर हर चीज का एक प्रॉपर तरीका होता है जी। ऐसा नहीं है कि आपको कभी कभी देखिए कि सुबह उठते हैं तो एक ग्लास काढ़ा सुबह और शाम को, दो से इनफ है बॉडी में काढ़ा पीने के लिए। अच्छा ठीक है, अगर दिन भर पीते रहेंगे तो आपको दूसरा बीमारी का शिकायत, कोई भी चीज लिमिटेशन में बहुत ही जरूरी है करने के लिए। आप घर का ही उपाय कीजिए ना, कोई एक्स्ट्रा उसके लिए पैसा खर्चा करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये इससे डरने का आपको सिर्फ सावधानी बरतना है, खान पान आपको अपना तरीका से जैसा खाते हैं उस तरीका से ही खाएं, फल का ज्यादा उपयोग करें, फिर हरा सब्जी खाएं, वेजिटेबल खाएं, और फिर उसके बाद में ऑरेंज ले जो विटामिन सी मिलता है, ये सब का धूप का उपयोग करें, ये सब नेचुरल चीज ही है, इसके लिए पैसा, एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सर, चूंकि देखिए आप बता रहे हैं कि नेचुरल चीजों का प्रयोग करें, ये बहुत बहुत सही चीज है, लेकिन अब जैसे एक सड़क पर रिक्शा चलाने वाला एक आदमी है, या दिन एक दुकान में छोटी सी नौकरी करने वाला एक आदमी है, 6,000 से 8,000 रुपए उसकी तनख्वाह है, तो इन लोगों के लिए क्या संभावना है कि इनके लिए, चूंकि इनके पास हेल्दी डाइट के अलावा और तो कोई बहुत ज्यादा मार्केट से फल लेकर के खाना या और भी चीजों को पर मतलब वो करना वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए, तो इनके लिए भी क्या कोई सजेशन है कि ये क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है, देखिए घर से ही अपना पानी बोतल लेके चला, गर्म होगा तो क्या दिक्कत है, गर्म पानी पीने से कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा बॉइल्ड वाटर, हल्का सुसुम पानी पीने से कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा अपने को पीना भी चाहिए। और उनका लिए फिर उसके बाद में मास्क पहने रहिए, और सैनिटाइजर अभी भी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा है कि सैनिटाइजर सस्ता दाम में मिल रहा है तो उसको ले सकते हैं ठीक। और बार बार अगर सैनिटाइजर भी नहीं है तो एक साबुन रख लीजिए, हैंड वॉश का छोटा सा एक साबुन रख लीजिए, जो अगर आपको लगता है
कुछ टच वाला कुछ काम होता है तो फिर उसके बाद में हैंड वॉश बीच बीच में क्या कीजिए। हाँ, हैंड वॉश जब आप क्योंकि हाथ धो रहे हैं तब आप नाक मुंह में ये सब में टच नहीं होना चाहिए, ये धो ढा के ही हाइजीनिक करके ही ये कीजिए। और बीच बीच में उनको पानी अगर रिक्शा वाला का सट्टू है सट्टू भी पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन चीज हरा सब्जी जो है वो खा सकते हैं। खाने पीने में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, जो आप खा रहे नेचुरल चीज ही खाइए। मगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, जैसा कि भीड़ भाड़ का जगह से आप भी बचिए और दूसरा को भी एडवाइस दीजिए कि बचने का लिए। और अभी तो वैक्सीनेशन भी आ गया है, वैक्सीनेशन 100% वाली बात बोली डॉक्टर साहब, ये बहुत पॉइंट वाली बात बोली सर। हमारे साथ डॉक्टर अर्पिता जुड़ी हुई है रांची से। एक बार मैं अर्पिता मैम से भी लोगों का परिचय करवा देता हूं। मैम, झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आपको देख रही है और न्यूज 11 भारत पर मैं अभिषेक भारती आपका स्वागत कर रहा हूं। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है, जो बहुत बड़ा सवाल है और बड़ा कंफ्यूजन भी है, मैं चाहता हूं कि कम से कम एक डॉक्टर होने के नाते आप लोगों के अंदर से ये कंफ्यूजन दूर कर दें। हम कोरोना को लेकर के यहां जागरूक करने की कोशिश करते हैं तो नीचे सोशल मीडिया पर हमारे कमेंट आते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो जाके दिखाओ कि मुख्यमंत्री चुनावी सभा कर रहे हैं, बंगाल में कोरोना क्यों नहीं हो रहा है, बंगाल के कोरोना के बारे में दिखाओ, झारखंड में ही कोरोना क्यों फैल रहा है, और ऐसी बातों को कह करके और उसके बाद मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जितने फॉर्मूले हैं उसको खारिज कर देते हैं। तो क्या किस हद तक लोगों के इस बातों को, सोशल मीडिया के इन मैसेजेस को सही माने, एक डॉक्टर के नाते आपका सजेशन मैम? मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि कोविड से बचने का एक ही सोल्यूशन है कि हम जो हमारे गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, मास्क लगाना जरूरी है, हैंड हाइजीन मेंटेन करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अगर कहीं किसी चुनाव सभा में ये सब का पालन नहीं हो रहा है और फिर कोरोना उस समय हो सकता है ना पता चल रहा हो कि वहां पे ना हुआ है या नहीं हुआ है, बट समय आने पे आगे आके इसके दुष्प्रभाव तो पता चलेंगे ही। अगर इवन इफ देर इज कोई सोशल गैदरिंग है भी तो भी वहां पे अगर हम प्रिकॉशन का पालन करेंगे तो वही हमारा अभी भी इस समय तक भी जो सेकेंड वेव चल रही है अभी भी हमारा वही एक सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। जब तक हमारा वैक्सीनेशन जिस लेवल पे अभी चल रहा है, अभी हम 6 करोड़ के वैक्सीनेशन तक ही पहुंचे हैं, अभी बहुत आगे तक वैक्सीनेशन को जाना है या हर्ड इम्यूनिटी को आना है तब जाके हम इससे पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। फॉर द टाइम बींग अभी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क, यही हमारा सोल्यूशन। मैम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। कल को अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का मूड किया कि वो हिमालय से कूद जाए तो पूरे देश की जनता तो नहीं कूदेगी, मुख्यमंत्री जी का मन किया कि वो पारसनाथ में जाकर के और वहां से कूद जाए तो पूरे झारखंड की जनता तो ऐसा नहीं करेगी। संभव है वो भी इंसान है, उनसे गलतियां हो गई होंगी, पर ये तो कोई जरूरी नहीं कि उनको फॉलो करते हुए हम भी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाएं। मुझे लगता है जो मैं लॉजिक दे रहा हूं, ठीक है थोड़ा मजाकिया लॉजिक जरूर दे रहा हूं और माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन बात लॉजिकल कर रहा हूं। मैम आप मेरी बात से एग्री कर रही हैं? मैं इस बात से बिल्कुल अग्री कर रही हूँ कि गाइडलाइन का 100% पालन होना जरूरी है। देर इज नो वे कि हम अगर गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोरोना देश से चला जाएगा या हम इस लड़ाई में जीत जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं होगा। जी, जी। अगर कोई ऐसा रोल मॉडल है जो नहीं कर पा रहा है तो ये हमें उसको फॉलो नहीं करना है, जो बार बार WHO, जो बार बार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कह रही है, हमें उसका पालन करना है। झेलना जिसके घर में हो रहा है उन्हें पड़ता है और किसी को नहीं, तो सबको अपना अपने और अपने चारों ओर जो लोग हैं उनको अपने गाइडलाइंस का प्रॉपर पालन करना है। सब कोई अगर ऐसा करेगा तो अपने आप ही पूरी सोसाइटी से ये प्रॉब्लम जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। डॉक्टर साहब, रांची और जमशेदपुर ये दो ऐसी जगह हैं जो कि कोरोना के हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं अगर झारखंड की बात करें तो जमशेदपुर में चूंकि आप रहते भी हैं, जमशेदपुर की आबो हवा आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत जबरदस्त गर्मी भी पड़ने लगी है, और मैं तो कल जमशेदपुर में ही था और मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई दोपहर में तो वहां पर लू चलने लगी थी, तो क्या इसका ये जो टेम्परेचर का ये जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है या अचानक से ये जो टेम्परेचर राइज कर रहा है, क्या कोरोना का जो आंकड़ा आ रहा है इससे कुछ नीचे जाएगा या इसका उससे कोई लेना देना नहीं है?
देखिए, टेम्पेचर का और कोरोना से कुछ ऐसा लेना देना है नहीं है। जो भी बोलते हैं कि अगर टेम्पेचर बढ़ेगा तो कोरोना गायब होगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल गलत है। कोरोना एक आपका जो अंदर से एक इन्फेक्शन हो रहा है, ये आपका में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एक इंसान से सात इंसान, फिर उसके बाद में सात इंसान से, अभी अभी कुछ दिन पहले तो एमजीएम के भी कुछ डॉक्टर को भी हो गया है, कोरोना हो गया है, तो पॉजिटिव है। 15 डेज का भी वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। आज हमारे ही एक सीनियर डॉक्टर को भी, उनको भी कोरोना हुआ, तो भी टीएमएच में एडमिट है। तो इसमें पेशेंट हमें और पब्लिक को, जैसा कैप्टन होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि आपको एडवाइस दे कि आपको ये करना है, मगर हम लोग का कुछ सरकार पहले, जब एक साल पहले जब कोरोना हुआ था, बहुत जागरूक से बहुत अच्छा ये करके कर रहा है। मगर देखिए, लॉकडाउन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हम लोग का लिए, जो हर एक दिन कमाने खाने वाला आदमी है, उनका लिए बहुत ही हालत खराब हो जाएगा। क्योंकि जब तक अगर पैसा नहीं होगा तो खाएंगे क्या, और कब तक सरकार या कोई संस्था है जो उनको हेल्प करेगी? हेल्प तो अपने आप को ही करना है। तो हमें क्यों नहीं पहले से हम लोग प्रिकॉशन लेके ही चले। हम लोग को भीड़ भाड़ का में काम ही किया है। मैं तो देखता हूँ कि यहाँ पे बीच में कि भीड़ भाड़ का में कुछ भी प्रशासन या सरकार का ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। कोई भी शाम को चाय का ठेला में ही देख लेता हूँ कि कितना भीड़ है, जो कोई यूज नहीं है। अपना घर में भी कुछ समय तक चाय पी सकते हैं या भीड़ भाड़ का से बच सकते हैं। और एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि वैक्सीन को लेकर जो आदमी का ऊपर में डर है कि नहीं वैक्सीन से कुछ जो मृत्यु का रेट बढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैक्सीन 100% सिक्योर है, और ये वैक्सीन हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को लेना जरूरी है। वैक्सीन एक एक मात्र ही कोरोना का एक प्रिकॉशन लेने वाला एक इम्यूनिटी पावर है जी। यही ये वैक्सीन की बात आपने की, एक अंतिम सवाल मैं डॉक्टर अर्पिता से लेना चाहूंगा। मैम, वैक्सीन को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, मतलब जहां जाइए जितना मुंह सुनिए उतने ही आपको बातें सुनने को मिलेंगी वैक्सीन को लेकर के। तो आखिर इस वैक्सीन को, वैक्सीन वैक्सीन है, ये कोई कोरोना की दवाई नहीं है। लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि भाई वैक्सीन अगर लगा लिया तो कोरोना नहीं होगा। इस मिसकंसेप्शन को हटाना पड़ेगा सबसे पहले। तो कोरोना का वायरस आपके अंदर कब गया है और आप वैक्सीन कब लगवा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं। और अब जो है वैक्सीन के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि भाई कई मौतें हो जा रही हैं, तो इससे भी डर से लोग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। तो क्या उनको डरना चाहिए वैक्सीन से? नहीं, बहुत मास अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि वैक्सीन बहुत जरूरी है। एक वैक्सीन ही है जो सफिशिएंट नंबर में, जब हमारे कंट्री में 25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा लोगों का, और जब, या फिर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, तभी इस बीमारी का इलाज है। तो वैक्सीन अभी वी आर स्टार्टिंग, अभी हम एक नए फेज में स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 45 इयर्स एंड अबव लोग भी रजिस्टर करके वैक्सीन ले सकते हैं। हर किसी को ये वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के 15 डेज तक, 2 वीक्स मोर आगे तक भी उन्हें प्रिकॉशन सारे रखने हैं। और वैक्सीनेशन के बाद भी सभी प्रिकॉशन जैसे मास्क, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि अगर ये सब कुछ करना ही है तो वैक्सीनेशन की जरूरत ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ाएगा इस वायरस से लड़ने की। अगर ये वायरस कई तरह से म्यूटेट होता है, चेंज होता है, इसकी आक्रामक शक्ति ज्यादा बढ़ती है, तो भी ये वैक्सीनेशन इसमें आपको हेल्प करेगा उससे फाइट करने के लिए, आपकी बॉडी को हेल्प करेगा कि उस वायरस से फाइट कर सकें। तो वैक्सीनेशन जैसे जिस फेजेस में गवर्नमेंट करती जा रही है, एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेज हम देख चुके हैं, अब फोर्थ फेज शुरू हो रहा है, हमें जैसे जैसे प्लान है उसको फॉलो करके वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। चलिए, तो डॉक्टर अर्पिता आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर संजय गिरी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। और झारखंड की जनता के मन में जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, मुझे उम्मीद है कि उन मिसकॉन्सेप्शंस में से कुछ मिसकॉन्सेप्शंस तो हमने खत्म कर दिए होंगे। और फिर से रिक्वेस्ट यही है कि मास्क पहनिए, इसलिए क्योंकि अब जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उस खबर में आप भी हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। खबर यह है कि 70 साल की एक
शख्स की कोरोना संक्रमित था जो उसके निजी अस्पताल मां रामपैर में इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई है। बीते करीब 5 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे। 3 अप्रैल को कोरोना का पहला टीका लिया था और परिवार के दूसरे सदस्य भी उनसे संक्रमित हो गए थे। उन सभी का भी इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है और रांची के डंगरा टोली का रहने वाला है ये पूरा परिवार। तो कोरोना से एक और शख्स की मौत हो गई है, एक निजी अस्पताल में इस शख्स का इलाज चल रहा था। इस शख्स का पूरा परिवार फिलहाल कोरोना पॉजिटिव है, आइसोलेशन में, निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। कोरोना का पहला डोज इस शख्स ने ले लिया था वैक्सीन का और अब कोरोना से डेथ की बात सामने आ रही है। तो प्लीज अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए ताकि कोई अनहोनी आपके साथ ना हो, आपके परिवार के साथ ना हो। आपका बचना बहुत जरूरी है और आपका डरना भी बेहद जरूरी है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।